हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ पोइट्री फीड के बारे में बताऊंगा कि जो पोइट्री फीड है ये कितने तरह के होते हैं, इसका प्राइस कितना होता है, कब कौन सा पोइट्री फीड दिया जाता है, तो ये सब आपको आज की इस वीडियो में पता चलेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर पोइट्री फीड कितने तरीके की होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो इसमें हमारे तीन टाइप आ जाते हैं, जो कि होता है हमारा प्री स्टार्टर, वो आप सब जानते होंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा स्टार्टर, और स्टार्टर के बाद आ जाता है हमारा फिनिशर। अब क्या होता है ये तीनों, देखिए बेसिकली जिनके भी फॉर्म है, जो लोग फॉर्म चलाते हैं उनको ये सब पता होगा। प्री स्टार्टर जो होता है, जब आपके फॉर्म में चिक्स आते हैं, जब आपके फॉर्म में चिक्स आते हैं तब उनको प्री स्टार्टर दिया जाता है। लगभग आपका जो फर्स्ट डे जब से चिक्स आते हैं तब से लेके 15 से 16 दिन तक प्री स्टार्टर दिया जाता है। प्री स्टार्टर जो होता है, प्री स्टार्टर थोड़ा मतलब महीन दाना होता है, और जो स्टार्टर होता है वो उससे थोड़ा मोटा दाना होता है। तो यही होता है, जो फूड की क्वालिटी है उस पर कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बस अब क्या होता है कि जब ज़्यादा तो लोग फिनिशर देते हैं, जो फिनिशर दाना होता है, जो आपका आखिरी होता है, जो आप बॉयलर चिक्स को देते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा बड़े दाने होते हैं। तब क्या होता है कि कई बार ये देखा गया है कि जो वो बॉयलर मुर्गे होते हैं उनका डाइजेशन सिस्टम इससे ख़राब हो जाता है। अब क्यों खराब होता है, क्योंकि स्टार्टर इतना मोटा दाना नहीं होता है, लेकिन फिनिशर काफ़ी मोटा दाना होता है, तो इसी वजह से उनके डाइजेशन सिस्टम पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। इसीलिए जब भी आप स्टार्टर मतलब आप स्टार्टर दाना खिला रहे हैं, आप स्टार्टर खिलाते जा रहे हैं, तो आपको डायरेक्ट फिनिशर नहीं देना है, आपको पहले स्टार्टर में फिनिशर ऐड करके देना है 2 से 3 दिन तक। जब आप ऐसा करेंगे तो इससे होता ही है कि जो डाइजेशन सिस्टम है, जो चिक्स का डाइजेशन सिस्टम है, वो इससे काफ़ी अच्छा रहता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो प्राइस देखिए, इसका प्राइस अगर आप 50 केजी का इस समय बैग लेंगे तो 2200 तक पड़ जाता है, 50 केजी का एक बैग पड़ता है। और इस आप अगर ऑर्डर करते हैं कंपनी से या फिर जो डीलर हैं, आप इसको पता भी लगा सकते हैं कि जो डीलर्स होते हैं इनसे आप भी दाना खरीद सकते हैं, और जो कि आपको शायद ही कुछ छूट मिले, नहीं तो ज़्यादातर जो प्राइस होती है वो ऐसी ही होती है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट कंपनी से मंगाते हैं, ज़्यादातर लोग जो प्राइवेट फॉर्म्स हैं जिनके, वो डीलर से मंगाते हैं, तो अगर आप डीलर से ना मंगा के डायरेक्ट कंपनी से मंगाते हैं तब उसमें क्या होता है, उसमें होता ही है कि कंपनी डायरेक्ट आपको एक पूरा ट्रक भेजती है, तो उसमें आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलता है। और लेकिन अब अगर आप डीलर से लेंगे तो उसमें आपका नुकसान तो होगा। इसके अलावा अगर आप अपने पैसे और बचाना चाहते हैं तो आप खुद फीड घर पे भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मशीन लेनी पड़ती है, जो फीडर मशीन होती है वो लेनी पड़ती है, जो कि महंगी आती है, शायद 1.5 लाख रुपए तक फीडर मशीन आती है। लेकिन इसमें आप खुद बना सकते हैं, जिस भी कंपनी से आप इन मशीन्स को ख़रीदेंगे वो आपको फार्मूला भी देगी कि कैसे इन फीडर को, कैसे मतलब पोल्ट्री फीड को बनाया जाए, ये सारा फार्मूला देती है। प्लस उसका और भी काफ़ी सारा सपोर्ट देती है आपको, जिससे भी आप फीडर मशीन खरीदते हैं, तो आप खुद भी बना सकते हैं ये अपने पोल्ट्री फार्म के लिए, और आप इससे ज़्यादातर बना के सेल भी कर सकते हैं। मतलब आप पोल्ट्री फार्म भी चला रहे हैं और जो आप दाना बना रहे हैं उसको अपने फॉर्म में तो खिला ही रहे हैं, जो आपके चिक्स हैं उसको आप सेल भी कर रहे हैं, तो इससे आप अपना डबल प्रॉफिट ले सकते हैं।